अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ऑन द बस। इस टॉपिक का नाम क्या है? ऑन द बस। ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट वी विल डिस्कस टू वर्ड्स। पहले हम दो वर्ड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज ब्रिज। अच्छा भाई, ब्रिज का मतलब क्या होता है? ये ब्रिज क्या होता है? A structure with a road, path, railway, etc. across river or a road. अच्छा, आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर ना एक पुल की तरह का वो बनाते हैं कि अगर कुछ लोग एक इस रोड को क्रॉस करना चाहते हैं तो वो लोग ऊपर जाते हैं और फिर उसको रोड को क्रॉस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज। सेकेंड वर्ड इज कंडक्टर। कंडक्टर तो सारे बच्चे जानते हैं। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड सेल्स टिकट्स ऑन अ बस। भाई कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जो शख्स बस में होता है और वो क्या करता है, वो टिकट कलेक्ट करता है, सबसे पैसे लेता है बस के अंदर, उसको बोलते हैं कंडक्टर। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गेट रेडी। द बस इज इन द बस स्टेशन। भाई बस जो है वो बस स्टेशन पे खड़ी हुई है। 10 पीपल आर इन द बस। 10 लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं। द ड्राइवर इज इन हिज सीट। और जो ड्राइवर है वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है। द कंडक्टर इज स्टैंडिंग नियर द बस। और कंडक्टर खड़ा हुआ है बस के करीब। मिसेस अली, अच्छा मिसेस अली जो एक खातून है, मिसेस अली इज गेटिंग इन टू द बस। और मिसेस अली जो है वो बस के अंदर चढ़ रही हैं। शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। और उनके हाथ में क्या है? उनके पास है एक अम्ब्रेला, छतरी। ठीक है, लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि बस खड़ी हुई है, ठीक है ना, और मिसेस अली जो है वो बस में चढ़ रही है इस पिक्चर के अंदर। अब क्या होता है भाई? नेक्स्ट, द बस इज ऑन द रोड। अब बस जो है वो रोड पर है। इट इज टेकिंग मिसेस अली टू लाहौर। और बस जो है वो मिसेस अली को कहाँ लेके जा रही है बच्चों? लाहौर लेके जा रही है। इट इज गोइंग वेरी फास्ट। बस जो है वो बहुत तेज चल रही है। मिसेस अली इज स्लीपिंग। और मिसेस अली क्या कर रही हैं? वो सो रही हैं। स्लीपिंग आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज स्लीपिंग। और वो जो सो रही हैं तो क्या हो रहा है देखते हैं। द बस इज गोइंग वेरी फास्ट। भाई बस बहुत तेज जा रही है। बस इज कमिंग टू अ ब्रिज। और बस जो है वो एक ब्रिज के पास आ रही है। मिसेस अली इज स्लीपिंग। मिसेस अली सो रही हैं। मिसेस अली इज ड्रीमिंग ऑफ द शालीमार गार्डन। अच्छा, मिसेस अली जो है वो ख्वाब देख रही हैं किसका? शालीमार गार्डन का। अच्छा बच्चों, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये शालीमार गार्डन बनाया हुआ है, तो वो शालीमार के बाग का ख्वाब देख रही हैं। लुक आउट। वहां देखो, अब कंडक्टर क्या बोल रहा है? लुक आउट, देयर इज अ काउ ऑन द रोड। अरे भाई, रोड पे काउ बैठी हुई है। द बस इज स्टॉपिंग। अब बस रुक रही है क्योंकि भाई रोड पे काउ बैठी हुई है, तो बस आगे कैसे जाएगी? काउ ने तो बस का रास्ता रोक लिया है। द ड्राइवर गेट्स आउट ऑफ द बस। ड्राइवर जो है वो बस से बाहर आता है। द कंडक्टर गेट्स आउट। और कंडक्टर जो है वो भी बाहर आ गया है क्योंकि उनको गाय को वहां से भगाना है ताकि बस आगे जाए। मिसेस अली गेट्स आउट। मिस अली भी बाहर आ गई। ऑल पीपल गेट आउट ऑफ द बस। और तमाम लोग जो बस में बैठे हुए हैं सब बाहर आ गए। द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड। अच्छा, ड्राइवर जो है वो क्लैपिंग कर रहा है। क्लैपिंग करके वो गाय को डरा रहा है ताकि गाय उठ के उस तरफ चले जाए तो फिर हम अपनी बस चला सकें। द कंडक्टर क्लैप्स हिज हैंड। और कंडक्टर भी क्लैपिंग कर रहा है। मिसेस अली वेविंग हर अम्ब्रेला। और मिसेस अली क्या कर रही है? वो अपना अम्ब्रेला जो उनकी छतरी है उसको घुमा रही है गाय को डराने के लिए ताकि वो उठ जाए। द पीपल शाउट। और लोग चिल्ला रहे हैं। द काउ डजंट मूव। लेकिन गाय तो हिल के नहीं दे रही भाई। गाय वहीं पे बिल्कुल जमी हुई है रोड पर और चल ही नहीं रही आगे। द ड्राइवर गेट्स इनटू द बस। अब ड्राइवर क्या करता है? वो बस में बैठता है। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न। यस, और वो बहुत जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाता है ताकि बस उठ जाए, ताकि गाय उठ जाए। द पीपल शाउट लाउड। और लोग भी बहुत चिल्लाते हैं। द काउ डज नॉट मूव। लेकिन जो गाय है वो तो अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रही है। मूव दैट काउ, अब शाउट्स द ड्राइवर। अब जो ड्राइवर है वो क्या चिल्ला रहा है? मूव दैट काउ। भाई हिलाओ उस काउ को, इस काउ को हिलाओ। मूव दैट काउ, शाउट्स द कंडक्टर। कंडक्टर भी चिल्ला रहा है। मूव दैट काउ, शाउट्स मिसेस अली। मिसेस अली भी चिल्ला रही है। मूव दैट काउ, शाउट द पीपल। और सब चिल्ला रहे हैं मूव दैट काउ। द काउ डजंट मूव। लेकिन गाय तो हिल के नहीं दे रही है। साहिर, अच्छा साहिर वहां पे एक बच्चा है जो वहां से गुजर रहा है
वो कहीं जा रहा है तो उसने देखा साहिर इज पासिंग बाय, वहां से एक बच्चा गुजर रहा है उसका नाम है साहिर। ही सीज द काउ, वो काउ को देखता है। ही सीज द पीपल, और वो लोगों को देखता है। ही लाफ्स, और वो हंसता है कि लो भाई इतना आसान तरीका है गाय गाय को उठाने का और ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है। साहिर कट सम ग्रास, साहिर क्या करता है वो कुछ जो है वो ग्रास घास काटता है। ही होल्ड्स इट नियर द काउज नोज, और वो गाय के नाक के करीब लेके आता है। और कम सेज साहिर, और साहिर क्या कहता है कम, द काउ गेट्स अप एंड फॉलोज हिम, और गाय खड़ी हो जाती है और उसको फॉलो करती है। वेल डन शाउट द पीपल, और सब लोग चिल्ला के उसको शाबाशी देते हैं, वेल डन तुमने बहुत अच्छा काम किया। द पीपल आर हैप्पी, लोग अब बहुत खुश हैं। दे गेट बैक इन टू द बस, और वो सब अब बस के अंदर बैठ गए हैं। दे गो ऑन देयर वे टू लाहौर, अब वो सब लाहौर जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, Have you heard that, or have you seen? आपने देखा कि किस तरह से एक बच्चे ने अकलमंदी के साथ एक गाय को उठा दिया और गाय को क्या किया, उठाने के बाद उसने सबकी हेल्प करी। तो इस चैप्टर में यही है कि हमें हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू पीपल आर रिक्वेस्टेड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन एज वेल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू वेरी सून।